ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। छतरपुर के नौगांव में फरियादी ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत सीएमओ को ज्ञापन सौंप कर की। 5,000 और 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। दो पीड़ितों ने सीएमओ को शिकायत की, लेकिन अब सीएमओ FIR करने से कतरा रहे हैं। क्या समस्या है लाडकुमार जी, जो आप नगर पालिका आज पैसे मांग रहे थे? कौन मांग रहा था पैसे? परमलाल। किस चीज के लिए पैसे मांग रहे थे? आवास के पैसे आए। अच्छा, कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 50,000। आपने दिए उनको? नहीं, अभी नहीं दिए। आज आप यहाँ पे आई हैं नगर पालिका में, किससे मिलने आई हैं? सीएमओ साहब। भाई साहब से। सीएमओ साहब, क्या कहा उन्होंने? कह रहे मत लेना। हमारी वार्ड की ये जनता है, तो इनका अभी आवास स्वीकृत हुआ है, तो कुछ दलाल परमलाल अहरवार जो दूसरी पार्टी के हैं, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी और मीडिया प्रभारी भी हैं, तो ये हमारे यहाँ जिसके भी आवास होते हैं, ये सबसे चुनना उगाही करते हैं। सीएमओ साहब से बात भी की मैंने, तो सर ने कहा है किसी को पैसा नहीं देना है, वो ना पैसा लग रहा है, और वैसे भी हमारी मोदी सरकार तो फ्री में सब गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बांट रही है। अब ये दूसरी पार्टियों के दलाल लगे हुए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने में, और वो 50,000 रुपए, किसी से 70,000 रुपए, ये सब मांग रहे हैं। मुझे जो मामला भी संज्ञान में आया है, मैंने उनसे बोला भी है कि आप एक लिखित में आवेदन दीजिए। मैं आवेदन जैसे ही मेरे पास आता है, मैं तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, उनकी FIR की कार्रवाई भी करूंगा। मैं आपको पूर्व में बता दूं कि मेरे द्वारा अनाउंस भी कराया गया, कई बार बोला भी गया है और कहा भी गया है कि ना तो किसी प्रकार की कोई राशि लग रही है, ना ही किसी प्रकार की कोई राशि जमा हो रही है। यदि आपसे कोई भी राशि मांगता है तो स्वयं नगर पालिका में आए। ये जो लोग आपको बीच में राशि के लिए बोल रहे हैं, आप मेरे एक आवेदन पहुँचाएं, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा।